आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द के साथ समय भी आता है तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, यहाँ हम देखते हैं अंत में आया रहा होगा और साथ में समय भी है सुबह से। वह 2021 से इंग्लिश सीख रही होगी, अंत में रही होगी, साथ में समय भी। थर्ड है हमारा, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो यहाँ रहे होंगे और 2 घंटे से। नेक्स्ट है, राम 20 मिनट से मूवी देख रहा होगा, अंत में रहा होगा और 20 मिनट से। इस प्रकार के सेंटेंस में हम समय के साथ से का प्रयोग भी करते हैं और उसके लिए हम सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज करते हैं। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल या सेल में से कोई एक, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ing, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, इसके बाद टाइम। हम आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, अन्य के साथ विल का यूज़ करते हैं और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सिंस और फॉर का यूज़ सीख लिया है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, अंत में रहा होगा, इसके बाद हमारा टाइम है सुबह से। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट देखते हैं। क्या सब्जेक्ट हमारा? वह, मतलब ही के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, तो विल हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? रीड, रीड मतलब पढ़ना, उसमें ing लगा दिया, रीडिंग। ए बुक, तो यहाँ ए आर्टिकल और बुक हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं सिंस फॉर में से काय का यूज़ करना है हमको, तो सुबह से एक निश्चित टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह 2021 से इंग्लिश सीख रही होगी, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, वह रही होगी स्त्री के लिए यूज़ हुआ, मतलब सी, तो यहाँ सी आ गया, सी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सी विल हैव बीन। इसके बाद सीखने के लिए लर्न, उसमें ing लगा दिए, लर्निंग। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ हमें निश्चित समय मिला 2021 से, तो सिंस 2021। थर्ड है हमारा, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो यहाँ हमारा 2 घंटे से टाइम दिया हुआ है, अंत में है रहे होंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी, मतलब हम, वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ सेल का यूज़, अन्य के साथ विल का यूज़, तो वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं। वीज सेल हैव बीन प्ले, मतलब खेलना, उसमें ing लगा दिए, प्लेइंग। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 आवर्स, यहाँ हमें अवधि मिली तो अवधि के लिए हम क्या करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा, राम 20 मिनट से मूवी देख रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, इसके बाद हम विल का यूज़ करेंगे राम के साथ, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है? वॉच, मतलब देखना, उसमें ing लगा दिया, वॉचिंग। ए आर्टिकल और मूवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिला हमें 20 मिनट्स, तो 20 मिनट से फॉर 20 मिनट्स। राम 20 मिनट से मूवी देख रहा होगा, राम विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 20 मिनट्स। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से कोई एक, इसके बाद नॉट, फिर हैव, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ing, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, इसके बाद टाइम। तो हमको क्या करना है? सिर्फ विल या सेल के बाद नॉट लगा देना, हैव बीन से पहले। एग्जाम्पल, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हमारा विल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमारा नॉट
इसके बाद हैव, फिर बीन, फिर रीड मतलब पढ़ना, उसमें आईएनजी लगा दिया, रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वह 2021 से इंग्लिश नहीं सीख रही होगी, सी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2021। हम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब हम येस नो आंसर मिलने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हमें आंसर येस या नो में मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम विल या शैल को लिखेंगे, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, फिर टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट है हमारा, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद हैव, फिर बीन, फिर हमारी मेन वर्ब क्या है, रीड, उसमें आई एन जी लगा दिया, रीडिंग ए आर्टिकल, बुक हमारा ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। क्या वह 2021 से इंग्लिश सीख रही होगी, विल सी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2021। नेक्स्ट है, क्या हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब जिनमें हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा और नेगेटिव सेंस भी जिसमें निकलता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना रहता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना रहता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद ही, इसके बाद हमारा नॉट, फिर हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद हमारा मेन वर्ब रीडिंग, उसमें आईएनजी लगा, रीड है मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा दिया, रीडिंग, और ए बुक, बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस मॉर्निंग सुबह से, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या वह 2021 से इंग्लिश नहीं सीख रही होगी, विल शी नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2021। नेक्स्ट है, क्या हम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिनमें हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं और इनमें हम आंसर येस या नो में नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में हमें जो भी चीज़ के बारे में पूछा गया उसके बारे में बताना पड़ता है, जैसे क्या, कौन, कब, कैसे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम जो भी WH फैमिली का शब्द आता है उसे लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल में से कोई एक, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, इसके बाद टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट है हमारा, तुम सुबह से क्या पढ़ रहे होगे। यह हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के मिडिल में है और इस प्रकार के सेंटेंस में हमें आंसर येस या नो में नहीं मिल सकता। मतलब आप जिससे भी वो क्वेश्चन करेंगे उसे बताना होगा कि वो क्या काम कर रहा होगा, जो भी उस काम के बारे में वो इन्फॉर्मेशन होगी उसका नाम आपको बताएगा। जैसे तुम सुबह से क्या पढ़ रहे होगे, मतलब उसको बताना होगा कि वो मैथ पढ़ रहा होगा, इंग्लिश पढ़ रहा होगा, GK पढ़ रहा होगा, कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा, जो भी है उसके बारे में उसे बताना होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम जो क्वेश्चन बना रहे थे वहाँ क्या शब्द से हमारा सेंटेंस प्रारंभ हो रहा था और आंसर येस या नो में हम मिल रहा था, लेकिन यहाँ हमको येस या नो में आंसर नहीं मिलता, उस चीज़ के बारे में बताना होता। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, क्या है, व्हाट मतलब क्या, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट यू मतलब तुम, इसके बाद हैव, फिर बीन, फिर यहाँ है मेन वर्ब क्या है, पढ़ना मतलब रीड, उसमें आईएनजी लगा दिया, रीडिंग, और सुबह से एक निश्चित टाइम मिला तो सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, राम 2 घंटे से क्या खेल रहा होगा, तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में है, क्या,
उसको भी यहाँ पे नाम बताना होगा, मतलब वो क्रिकेट खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, जो भी उसका नाम बताना होगा। येस या नो में आंसर नहीं मिल सकते। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, क्या है मतलब वॉट, इसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट राम, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद प्ले मतलब खेलना, उसमें आई एन जी लगा दिया प्लेइंग, और यहाँ में ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिला फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। नेक्स्ट है वह 2021 से कहाँ रह रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड कहाँ मतलब वेयर, तो वेयर से शुरुआत करेंगे, वेयर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद हैव, फिर बीन, लिव मतलब रहना, उसमें आई एन जी लगा दिया लिविंग, और सिंस 2021, 2021 से अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वह सोमवार से क्या सीख रहा होगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या, या यहाँ सेंटेंस के मिडिल में वॉट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट हमारा ही, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, फिर लर्न मतलब सीखना, उसमें आई एन जी लगा दिया लर्निंग, और सिंस मंडे मतलब सोमवार से। तो इस प्रकार हमने आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।